नमस्कार, ग्रैंड एशियन न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं नवरात्रि ऐश्वर्या प्रस्तुत हूँ आज की ताजा खबरों के साथ। लेकिन उससे पहले आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे बिलासपुर विधानसभा, राज्य गीत के साथ कार्यक्रम की शुरुआत कर दिए अनेकों विकास कार्यों की सौगात। नेशनल लोक अदालत में पहुंचे न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, ऑनलाइन सुनवाई पर पक्षकारों से बात कर शिविर का किया निरीक्षण। और सीएम भूपेश बघेल ने कर्नाटक के चुनाव में कांग्रेस की जीत पर जताई खुशी, कहा कर्नाटक के नतीजे बिल्कुल उम्मीद के अनुकूल आए। अब खबरें विस्तार से। कर्नाटक विधानसभा चुनाव 2023 के रुझान में कांग्रेस को पूर्ण बहुमत मिल रहा है, जिसके बाद कांग्रेस का कर्नाटक में सरकार बनना तय है। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कर्नाटक चुनाव के रुझानों के बाद भाजपा पर बड़ा प्रहार करते हुए ट्वीट किया है कि बजरंग बली जी के गदे का कड़ा प्रहार, भ्रष्टाचारी भाजपा की हो रही हार। मुख्यमंत्री ने कहा कि कर्नाटक के नतीजे बिल्कुल उम्मीद के अनुकूल है। मोदी जी ने खुद को आगे रखकर वोट मांगा था तो यह मोदी जी की हार है। बजरंग बली जी का गदा भ्रष्टाचारियों के सिर पर पड़ा और भाजपा सरकार वहां से निपट गई। उसके बाद कर्नाटक जीते, हिमालय से लेकर अब समुद्र तक कांग्रेस ने सफलता हासिल की है। और जो कांग्रेस मुक्त भारत की बात करते थे, अब दक्षिण भारत में भारतीय जनता पार्टी मुक्त हो चुकी है। भारतीय जनता पार्टी लगातार, उनको यह एहसास हो गया था कि कर्नाटक में हारने वाले हैं और यही कारण है कि मोदी जी की जगह सारे टेलीविजन में नड्डा जी की फोटो लगने लग जाए। दूसरी बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी के लोग फिर मोदी की जगह योगी योगी करने लगे, बुलडोजर की बात करने लगे। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं से पहले हमारे अरुण साहू जी को पता चल गया, तभी बोले कि हम यहां उत्तर प्रदेश की तरह यहां भी बुलडोजर चलाएंगे। तो उनको पता है कि अब मोदी जी का जादू समाप्त हो गया है, तभी अरुण साहू जी लगातार योगी योगी करने लगे थे, बुलडोजर की बात करने लगे थे। तो आज जो सफलता मिली उसमें हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष खड़गे जी, पूर्व अध्यक्ष सोनिया जी, पूर्व अध्यक्ष राहुल जी, प्रियंका जी, सबको बधाई। साथ ही जो स्टेट लीडरशिप है उनको भी बधाई और वहाँ के जो कार्यकर्ता हैं उनको भी बहुत बधाई कि ऐसे समय में जब धार्मिक ध्रुवीकरण करने की कोशिश लगातार भारतीय जनता पार्टी लोग कर रहे हैं, कर्नाटक की जनता ने फैसला दिया है और उस फैसले से स्पष्ट हो गया है कि बजरंग बली है वो कांग्रेस के साथ। बजरंग बली की कृपा किस पर? कांग्रेस पर ही रहेगी, क्योंकि बजरंग बली है अन्यायी अत्याचारी के पर ही कड़ा प्रहार करते हैं, वो गदा है वो भ्रष्टाचारियों के सिर पे गिरेगा। प्रदेश व्यापी भेंट मुलाकात कार्यक्रम में बिलासपुर पहुंचे मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। चकरभाटा में आयोजित सनाड्य कुर्मी क्षत्रिय समाज के शपथ ग्रहण समारोह में शामिल हुए। इस अवसर पर मुख्यमंत्री के सामाजिक भवन के लिए 50 लाख रुपए की घोषणा की। इस अवसर पर मुख्यमंत्री ने समाज के नव निर्वाचित पदाधिकारियों को बधाई देते हुए कहा कि आप सभी समाज के नव नियुक्त पदाधिकारी हैं, समाज को सदैव रचनात्मक दिशा में ले जाने आप अहम भूमिका निभाएंगे। आप सभी शिक्षा पर विशेष रूप से कार्य कीजिए। कोई भी समाज जितना शिक्षित होता है उतना ही जागरूक होता है और देश की तरक्की में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्या मैं भैया 5 एकड़ जमीन आरक्षित कर ले है, कुछ बिल्डिंग भी बनाया है, एक बढ़िया हाल यह बनना चाहिए और ओकर 50 लाख रुपए देश में घोषणा कर रहा हूँ। सफल हो ये बात करते हुए आप सब बहुत समाज के अध्यक्ष और सब साथी मिल धन्यवाद देता हूँ कि बहुत कृपा पूर्वक आमंत्रित करें, मुख्यमंत्री निवास घेरे और बुलाया जी है, बढ़िया स्वागत भी करे और साथ साथ सब आप सबके दर्शन करेंगे, अवसर प्रदान करेंगे अध्यक्ष लग और सबको साथी लग हृदय से धन्यवाद देते हुए अपन वाणी जी का विराम देता हूँ। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले समाज गंगा की जय।
मंत्री भूपेश बघेल बिलासपुर विधानसभा के लाल बहादुर शास्त्री स्कूल मैदान में आयोजित भेंट मुलाकात कार्यक्रम में पहुंचे। उन्होंने छत्तीसगढ़ महतारी के छाया चित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर माल्यार्पण एवं छत्तीसगढ़ के राज्य गीत के साथ कार्यक्रम में जनता से संवाद शुरू किया। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने बिलासपुर और बिल्हा विधानसभा क्षेत्र में भेंट मुलाकात के दौरान अनेक विकास कार्यों की सौगात दी। अब वक्त तो चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव लगातार 28 वर्षों से माता सेना सेवा समिति द्वारा आयोजित किया जा रहा है। श्री 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 सोलापुरी शीतला माता पूजा महोत्सव में आप सभी भक्तों का हार्दिक अभिनंदन एवं स्वागत है। इस महोत्सव की शुरुआत 7 मई से प्रारंभ होगी और 14 मई को माता के प्रस्थान के साथ महाभंडारे के आयोजन के साथ इस महोत्सव का समापन होगा। जो कोई भक्त अपना सहयोग करना चाहते हैं, वह माता सेना समिति के सदस्यों से संपर्क कर सकते हैं। संपर्क करने के लिए मोबाइल नंबर इस तरह से है 7000889727 या फिर 7772911999। इस वर्ष महोत्सव में पधारने वाले आगंतुकों के लिए मनोरंजन के लिए विशेष व्यवस्था की गई है। इन व्यवस्थाओं में पूरे 7 दिनों तक मेले का आयोजन किया गया है। सभी भक्तों से निवेदन कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में महोत्सव में शामिल होकर श्री 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 सोलापुरी शीतला माता का आशीर्वाद प्राप्त करें। धन्यवाद। कृष्णा पब्लिक स्कूल नेहरूनगर भिलाई। कृष्णा पब्लिक स्कूल सेशन 2023-24 एडमिशन ओपन। आपके बच्चों के बेहतर भविष्य के लिए कृष्णा पब्लिक स्कूल। आवश्यक सुविधाएं प्लेग्राउंड, लाइब्रेरी, कंप्यूटर लैब, वेल फर्निश्ड क्लासरूम, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी के साथ बाहर से आए स्टूडेंट्स के लिए सर्व सुविधा युक्त हॉस्टल सुविधा। तो बता दें, कृष्णा पब्लिक स्कूल अनुभवी शिक्षकों के द्वारा विद्यार्थियों को अध्ययन कराया जाता है। कृष्णा पब्लिक स्कूल एडमिशन ओपन। हमारा पता कृष्णा पब्लिक स्कूल भिलाई, कॉन्टेक्ट नंबर 07884030903, 07882292714, मोबाइल नंबर 7389740903, 7389840904। बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। 24 घंटे आपातकालीन सुविधाएं, जिसमें मॉडलर ऑपरेशन थिएटर से सुसज्जित छत्तीसगढ़ के प्रतिष्ठित न्यूरो फिजिशियन न्यूरो सर्जन की सुविधाओं के साथ सड़क दुर्घटना में घायल मरीजों के लिए विशेष ट्रामा आईसीयू की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में हृदय रोग विशेषज्ञों की टीम के साथ एडवांस कैथ लैब की सुविधाएं, साथ ही जिसमें एंजियोग्राफी, एंजियोप्लास्टी, पेसमेकर की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में मेडिकल आईसीयू, सर्जिकल आईसीयू, एनआईसीयू, बर्न यूनिट के साथ डायलिसिस की सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। हॉस्पिटल के सभी वार्ड एयर कंडीशनर होने के बावजूद सबसे किफायती दरों में उपलब्ध। जनरल वार्ड, प्राइवेट रूम, डिलक्स रूम, सुपर डिलक्स रूम की सुविधाएं उपलब्ध है। हॉस्पिटल में गायनिक डॉक्टर्स की एक्सपर्ट टीम नॉर्मल डिलीवरी एवं सिजेरियन के लिए सुविधा 24 घंटे उपलब्ध है। साथ ही साथ महिला एवं बच्चों के लिए अलग अलग वार्ड की सुविधा उपलब्ध है। हॉस्पिटल में सभी प्रकार की जांच, जैसे MRI, सीटी स्कैन, सोनोग्राफी, 2D इको, ECG, EEG, एंडोस्कोपी, एक्सरे, खून एवं पेशाब की जांच की सुविधा बेहद किफायती दरों में उपलब्ध है। हमारा पता बीएम शाह हॉस्पिटल एवं मेडिकल रिसर्च सेंटर शास्त्री नगर सुपेला भिलाई। फोन नंबर 7731111, 7731111722। आयुर्वेद एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। चर्म रोग, दांत खाज, खुजली, चेहरा पर किसी प्रकार की झाइयां, दाग धब्बे, फोड़ी फुंसी, प्रेगनेंसी, स्ट्रेच मार्क आदि का गारंटेड इलाज। जी हां, आयुर्वेदिक एक्यूप्रेशर थेरेपी सेंटर। यहां पर आयुर्वेदिक दवा एवं एक्यूप्रेशर थेरेपी द्वारा बिना ऑपरेशन किए बवासीर, भकंदर, हाइड्रोसिल, गुप्त रोग, चर्म रोग का इलाज किया जाता है। बवासीर, भकंदर, फिशर का बिना ऑपरेशन इलाज, मलद्वार की जितनी भी पुरानी तकलीफ हो, जैसे खून आना, चुभने जैसा दर्द होना, जलन, मस्सा, मवाद आना, पेट साफ ना होना आदि का जड़ से गारंटेड इलाज। गुप्त रोग, शादी के बाद या शादी के पहले बचपन की गलतियां, उम्र की अधिकता
या किसी भी कारण से मर्दाना कमजोरी, शीघ्र पतन, शादी के नाम से डर लगना, बच्चा न होना, पेशाब में जलन, स्वप्न दोष, शारीरिक कमजोरी, थकान आदि बीमारियों सहित हाइड्रोसिल का बिना ऑपरेशन गारंटीड इलाज। मैया गुप्त रोग बवासीर भकंदर फिशर का बिना ऑपरेशन जड़ से गारंटीड इलाज। माहवारी गड़बड़ी, सफेद पानी जाना, हाथ पैर में जलन, दर्द, कमर में दर्द, बच्चा न होना, मिर्गी, पुराने से पुराना घाव गैंगरीन का इलाज किया जाता है। हमारा पता डॉक्टर हीरा गया नगर दुर्ग, मोबाइल नंबर 9981659182। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दुर्ग में आयोजित नेशनल लोक अदालत में पहुंचे न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी ने ऑनलाइन सुनवाई पर पक्षकारों से की बात, साथ ही लगे शिविर का किया निरीक्षण। राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण नई दिल्ली एवं छत्तीसगढ़ राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण बिलासपुर के निर्देशानुसार वर्ष 2023 की द्वितीय नेशनल लोक अदालत का शनिवार को जिला न्यायालय में आयोजन किया गया, जिसमें दुर्ग परिवार न्यायालय, श्रम न्यायालय दुर्ग, स्थायी लोक अदालत दुर्ग तथा किशोर न्याय बोर्ड व तहसील न्यायालय भिलाई 3 पाटन में आयोजित किया गया। इस अवसर पर पहुंचे मुख्य अतिथि माननीय श्री न्यायमूर्ति गौतम भादुड़ी, न्यायाधीश छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय बिलासपुर एवं पोर्टफोलियो न्यायाधीश जिला दुर्ग छत्तीसगढ़ में लगे शिविर का निरीक्षण किया, साथ ही ऑनलाइन सुनवाई होते हुए पक्षकारों से भी की बात और न्यायालय परिसर में बने सेल्फी पॉइंट पर फोटो खिंचवाया। साथ ही इस अवसर पर आपसी राजीनामा, योग्य आपराधिक मामले, सिविल मामले, मोटर दुर्घटना दावा अधिकरण से संबंधित मामले, साथ ही परिवार न्यायालय में पारिवारिक विवाद के प्रकरण, श्रम न्यायालय के प्रकरण, स्थायी लोक अदालत में जनोपयोगी सेवा से संबंधित प्रकरण व राजस्व से संबंधित कुल 2300 से अधिक मामले एवं बैंक, वित्तीय संस्था, विद्युत, दूरसंचार एवं नगर निगम की बकाया राशि के संबंध में विभाग द्वारा न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किए जाने के पूर्व प्री लिटिगेशन प्रकरण के कुल 4000 से अधिक मामले सुनवाई के लिए रखे गए हैं। पहले तो धमदा कोर्ट का ओपनिंग था, वहाँ पे सिविल कोर्ट ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे लोक अदालत में यहाँ पे जो दुर्ग में हमने भीड़ देखा, लोगों में उत्साह देखा, काफ़ी भरोसा किया है लोगों ने सिस्टम पे, लोग अपने झगड़ा निपटाए, अपना केसेस को छोड़ के, मामला मुकदमा छोड़ के अपने जीवन पे ध्यान दे। काफ़ी लोग अभी जैसे दुर्ग बेंगलोर से और कहीं और दूर से, पंजाब से, वहाँ से, बिहार से, सब कॉम्प्रोमाइज़ अभी हुआ है मोबाइल में, तो उसका भी लाभ लिया लोगों ने, वहाँ पे बैठे और यहाँ पे इस चीज़ का लोक अदालत की एक सफलता की एक इस फेदर टू कैप बोल सकते हैं आप। हमारे वर्तमान स्थिति क्या है सर, वर्तमान में केसेस हो रहा है, इतना भीड़, इसका सक्सेस स्टोरी तो इसी से देख के ही लगता है, कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। और केसेस तो जो पहले होते थे जैसे 100 केसेस हो रहे थे, अभी तो हजारों में है, 70,000 से ज़्यादा, 60-70,000 केसेस, तो इससे ज्यादा लोगों का इसमें जो प्री लिटिगेशन है वो भी हो रहा है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेलों और कई और योजनाओं पर फोकस किया गया, कितना सकारात्मक पहल देखा गया। अभी आपको उसी का उदाहरण दिया, पंजाब से, बेंगलोर से लोग वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं, और रेगुलर हमारे यहाँ जो केसेस होते हैं बाहर के वकील वीडियो में अपीयर हो रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट भी देखिए, अब लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू होगी हम लोग की। सर,
सर कोई नवाचार हो रहा कोई योजना फोकस कर रहे हैं? हाँ हाँ पूरा पूरी तैयारी है, हो गई है, हो किसी भी दिन लॉन्च होगा वो। हाँ नहीं अभी नहीं अभी। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार नवविवाहिता वधु सम्मान समारोह का आयोजन हाउसिंग बोर्ड घासीदास नगर भिलाई के वार्ड 23, 24, 25 में किया गया। मतदान केंद्रों में शत प्रतिशत निष्पक्ष मतदान एवं दिव्यांग जनों सहित सभी मतदाताओं को मतदान करने के प्रति प्रेरित करने का संकल्प लेने के साथ नई बहुओं को तिलक लगाकर एवं गुलदस्ता देकर सम्मानित किया गया। भारत निर्वाचन आयोग के द्वारा शत प्रतिशत और निष्पक्ष मतदान कराने के उद्देश्य से एक अनूठी पहल की गई है, जिसके तहत सभी बीएलओ को अपने अपने भाग संख्या एवं वार्डों के हिसाब से क्षेत्र के घरों में हाल फिलहाल में आई नवविवाहिताओं को चिन्हित कर पुष्पगुच्छ देकर उनका स्वागत सम्मान करना है एवं तिलक लगाकर उनके नाम को मतदाता सूची में जोड़ने की कार्रवाई करने के निर्देश दिए हुए हैं। इसी तारतम्य में वैशाली नगर विधानसभा में नवविवाहिता वधु सम्मान समारोह का आयोजन हाउसिंग बोर्ड भिलाई में किया गया। इस अवसर पर मतदान केंद्रों में शत प्रतिशत निष्पक्ष मतदान एवं दिव्यांग जनों सहित सभी मतदाताओं को मतदान हेतु प्रेरित करने का संकल्प लेने के साथ नई बहुओं को तिलक लगाकर गुलदस्ता देकर सम्मानित भी किया गया और उनका नाम मतदाता सूची में जोड़ने की आवश्यक कार्रवाई की गई। यह योजना भाग संख्या 152 से भाग संख्या 163 के सभी बीएलओ ने संयुक्त रूप से शासकीय उच्चतर माध्यमिक शाला हाउसिंग बोर्ड भिलाई में किया। निर्वाचन आयोग के आदेश एवं बीएलओ द्वारा किए जा रहे आयोजन के बारे में जहां बीएलओ ने जानकारी दी तो वहीं इस अनूठी पहल पर नवविवाहिताओं ने भी अपने विचार व्यक्त करते हुए इस कार्य को बेहद सराहा और निर्वाचन आयोग और सरकार का आभार जताया। सर मैं अनिल कुमार थारवानी भाग संख्या 159 का बीएलओ हूँ वैशाली नगर विधानसभा से। यह कार्यक्रम भारत निर्वाचन आयोग के निर्देशानुसार किया जा रहा है। इसमें घर घर जाके हम लोगों ने सर्वे किया और नवविवाहिता जो वधुएं हैं उनकी हमने सूची बनाई, फिर उन वधुओं को बाकी जगह बीएलओस जो हैं बूथ में मतलब घर घर जाके सम्मान कर रहे थे, लेकिन हमने चाहा कि वृहद स्तर पर करें जिससे लोगों में जागरूकता बढ़ सके, और इसलिए हम लोगों ने वृहद स्तर पर कम से कम 12 बूथ के बीएलओ ने मिल के इस आयोजन को किया है। तो इसमें हमने सभी बीएलओ ने मतलब अधिक से अधिक संख्या में बहुओं को आमंत्रित करने का प्रयास किया, उनका स्वागत सम्मान किया और जागरूकता बढ़ाने का हमने प्रयास किया, और हमने सभी को शपथ भी दिलाई कि हम भारत के लोकतंत्र में पूर्ण आस्था विश्वास रखते हुए शत प्रतिशत निष्पक्ष मतदान करेंगे और अधिक से अधिक लोगों को प्रेरित करेंगे, और दिव्यांगजनों को भी हम मतदान देने के लिए हर प्रकार से सहयोग करेंगे, ऐसा हमने शपथ दिलाई है सर सभी मतदाताओं को। भारत सरकार निर्वाचन आयोग द्वारा सभी बीएलओ को आदेश दिया गया था कि जितने भी नवविवाहित वधु हैं विगत 3 वर्षों के दौरान जो नवविवाहित वधु हैं उनका सम्मान समारोह का आयोजन किया जाए ताकि वो उनका नाम जो है मतदाता सूची में दर्ज हो सके और वो एक जागरूक नागरिक होने के नाते जागरूक मतदाता होने के नाते निष्पक्ष रूप से अपना मतदान दे सके। इसी कार्यक्रम के तहत जो है हमारे हाउसिंग बोर्ड शाला प्रांगण में जो है भाग संख्या 152 से लेकर 163 तक के सभी बीएलओ के द्वारा नवविवाहिता वधु सम्मान का कार्यक्रम किया गया एवं जिनका नाम मतदाता सूची में दर्ज नहीं था उनका नाम जोड़ा गया और उन्हीं सभी मतदाताओं का तिलक लगाकर एवं पुष्प भेंट कर जो है उनका स्वागत किया गया और सम्मान किया गया। सरकार का सर काफ़ी अच्छा मतलब कि कार्यक्रम है जिसमें नए शादीशुदाओं को कम से कम ये मौका मिल रहा है या प्रशंसनीय है, जो घर पहुँचने को सेवा मिल रहा है बीएलओ द्वारा और पूरा नाम जोड़ा जा रहा है, ये काफ़ी अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है सरकार के द्वारा जो किया जा रहा है, सम्मान भी है, ये काफ़ी अच्छा खुशी की बात है। अच्छा है, फैसिलिटी अच्छी है। जब मैं शादी करके आई यहाँ पे तो मुझे कहीं जाना नहीं पड़ा, यहाँ के जो टीचर्स हैं हमारे घर पे आए थे और फॉर्म वॉर्म फिल किया, हमको बताया कि वोटर आई डी कार्ड आपको बनाना है तो हम सब करके दे देंगे, करके सारी फैसिलिटी हमको प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस प्रक्रिया के दौरान आपका सम्मान भी हुआ, वो कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा है, यहाँ पे हमको बुला के सम्मान किए, अच्छा पहल है। हम लोग के यहाँ आए थे बीएलओ साहब जो हैं घर में आए थे, फॉर्म भरा के गए हैं, हम लोगों का वोटर आईडी आएगा, यहाँ आना स्कूल नहीं जाना पड़ा हम लोगों को, अच्छा ठीक है। हाँ प्रक्रिया होती थी हैं इसीलिए अब अच्छा था, ये नवविवाहिता जो है वहाँ से यहाँ अच्छा लगा हम लोगों को। ठीक, भारत निर्वाचन आयोग की पहल तो बढ़िया है, देखना होगा कि इस पहल से आने वाले समय में होने वाले मतदान के प्रतिशत को कितना बढ़ाया जा सकता है।
ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग पुलिस को दुर्ग के बस स्टैंड में मिला करोड़ों का सोना, पकड़े गए दो युवक से पुलिस की पूछताछ जारी। दुर्ग पुलिस को शनिवार को बड़ी सफलता हाथ लगी है। रायपुर से मुंबई ले जा रहे करोड़ों के सोना के साथ दुर्ग पुलिस ने दो युवकों को नए बस स्टैंड से सामान सहित पकड़ा है। इस मामले में दुर्ग सिटी कोतवाली थाना के स्टाफ द्वारा दोनों युवकों को सामान सहित थाना ले जाकर पूछताछ की जा रही है। और तलब है कि मिली जानकारी के अनुसार दुर्ग के नया बस स्टैंड स्थित नवीन ट्रेवल्स में कार्यरत कर्मचारी द्वारा सुरक्षा की दृष्टि से सभी पैसेंजर के सामानों को जांच करके ही रखवाया जाता है। इसी कड़ी में दुर्ग से मुंबई के लिए चढ़े यात्री को भी सामान जांच कराने कहा गया, जिसके बाद सामान की तलाशी लेने से सोना होने पर पुलिस को सूचना दी गई। इसके बाद मौके पर पहुंची टीम ने पूरे सामान के साथ दोनों युवकों को पकड़ा है। इस मामले में जांच कर रहे दुर्ग सीएसपी वैभव बैंकर ने मामला बड़ा होने के साथ इसका खुलासा देर शाम तक करने की बातें कही है। एक बार फिर वक्त चला है एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के बाद जल्द मिलते हैं। श्री शंकराचार्य हॉस्पिटल 750 बिस्तरों का आधुनिक अस्पताल एवं 150 MBBS सीटों का मेडिकल कॉलेज, उपलब्ध सुविधाएं 24 घंटे आकस्मिक चिकित्सा सुविधा, विशेषज्ञ चिकित्सक सुविधा, डिलीवरी एवं टीकाकरण सुविधा, 24 घंटे एम्बुलेंस सेवा सुविधा एवं आधुनिक उपकरणों से सुसज्जित ऑपरेशन थिएटर, नवीनतम उपकरणों से सुसज्जित पैथोलॉजी लैब, एक्सरे एवं सोनोग्राफी की सुविधा, ICU, ICCU, NICU, MRI, सिटी स्कैन एवं डायलिसिस यूनिट्स की सुविधा उपलब्ध, न्यूनतम दर पर दवाएं उपलब्ध, मोतियाबिंद ऑपरेशन, जननी सुरक्षा योजना, राष्ट्रीय स्वास्थ्य बीमा योजना, मुख्यमंत्री स्वास्थ्य बीमा योजना के अंतर्गत चिकित्सा सेवा उपलब्ध, स्मार्ट कार्ड सेवा उपलब्ध है। OPD टाइमिंग सुबह 9 बजे से शाम 4 बजे तक। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय हिंदी मीडियम कक्षा 1 से कक्षा 12वीं तक अध्ययन, जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल एफिलेटेड टू CG, अंग्रेजी माध्यम के लिए नर्सरी LKG, KG1, KG2 के साथ क्लास 1 से क्लास 8 तक अध्ययन, कॉमर्स बायोलॉजी मैथ्स हेतु अनुभवी शिक्षकों द्वारा बेहतर अध्ययन कराया जाता है। सभी कक्षाओं में CCTV कैमरों से निगरानी, स्मार्ट क्लास, कंप्यूटर क्लास, कंप्यूटर एप्लीकेशन एवं प्रोजेक्टर सहित। जनता उच्चतर माध्यमिक विद्यालय जनता इंग्लिश मीडियम स्कूल प्रवेश प्रारंभ Camp 2 गांधी चौक, फोन नंबर 07882960666, 9424124667। ब्रेक के बाद आप सभी का पुनः स्वागत है। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ राज्य के सह प्रभारी और पंजाब के विधायक ने पत्रकार वार्ता में छत्तीसगढ़ में भी आपकी सरकार बनाने का दावा किया। आम आदमी पार्टी छत्तीसगढ़ के सह प्रभारी और पंजाब के विधायक गुरिंदर सिंह शनिवार को दुर्ग पहुंचे, जहां वे ब्लॉक अध्यक्षों के द्वारा बनाए गए सर्कल इंचार्ज तथा पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुलाकात की। हम बता दें, आप केंद्रीय टीम ने आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की विधानसभा चुनाव के मद्देनजर आम आदमी पार्टी के द्वारा पंजाब के विधायकों को संगठन बनाने के लिए सह प्रभारी नियुक्त किया गया है। पार्टी ने सह प्रभारियों को छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव तक अपना घर छत्तीसगढ़ को बनाने का निर्देश दिया है। इसी कड़ी में दुर्ग के IMA भवन में आयोजित प्रेस वार्ता में मीडिया से चर्चा करते हुए आप पार्टी के विधायक गुरिंदर सिंह ने आप पार्टी की बढ़ती लोकप्रियता के बारे में बताया। साथ ही बताया कि आगामी विधानसभा चुनाव में छत्तीसगढ़ में 90 सीटों पर अपना प्रत्याशी उतारेंगे। इस मौके पर आप पार्टी के लोकसभा अध्यक्ष डॉक्टर SK अग्रवाल सहित आपके पदाधिकारी कार्यकर्ता शामिल रहे। सबसे पहले तो दुर्ग के सभी पत्रकार साथियों को मेरी तरफ से सादर प्रणाम है। जैसा आप जानते हैं कि आम आदमी पार्टी इंडिया गेस्ट करप्शन मूवमेंट के टाइम पे बनी हुई, उस मूवमेंट में से उभरी हुई पार्टी है और 10 सालों में आम आदमी पार्टी ने नेशनल पार्टी का स्टेटस जो है वो हासिल किया।
देश के कोने कोने में लोग आम आदमी पार्टी के जो नेशनल कन्वीनर हैं अरविंद केजरीवाल जी, उनके गवर्नेंस मॉडल से प्रभावित हैं। अरविंद केजरीवाल जी ने दिल्ली में शिक्षा, सेहत और जो मूलभूत सुविधाएं हैं जिसमें बिजली, पानी और ट्रांसपोर्ट और बहुत सारे मसलों पे एग्जाम्पलरी काम करके दिखाया है। ऐसा काम करके दिखाया है कि यूएन के पूर्व गवर्नर जनरल जो हैं वो भी दिल्ली में आके उनका काम देखते हैं। यूएसए के एक्स प्रेसिडेंट हैं वो आते हैं, उनकी वाइफ दिल्ली में सरकारी स्कूल देखने जाते हैं। और इससे सारे देश में आम आदमी पार्टी की जो पॉलिसीज़ हैं, जो अरविंद केजरीवाल जी का गवर्नेंस स्टाइल है, इससे लोग प्रभावित हो रहे हैं। 10 सालों में ही आम आदमी पार्टी ने 2 स्टेट्स में सरकार बनाई है और 2 स्टेट्स में स्टेट पार्टी का दर्जा जो हासिल किया है और यंगेस्ट नेशनल पार्टी के रूप में उभर के आई है। छत्तीसगढ़ के जो आम लोग हैं वो भी आम आदमी पार्टी की तरफ एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। छत्तीसगढ़ के लोग पिछले 22 सालों में भाजपा और कांग्रेस की जो करप्ट गवर्नमेंट्स हैं इनसे त्रस्त रहे हैं। ये जो मौजूदा सरकार चल रही है इसमें भी आपने करप्शन के बड़े बड़े स्कैम्स आपने देखे होंगे, सुने होंगे। रायपुर नगर पालिका में बड़ा करप्शन का स्कैम हुआ है। मुझे बताते हुए शर्म आ रही है कि फौजियों के लिए बने शहीदी स्तंभ में भी करप्शन की एलिगेशंस लगी हैं। अभी रिसेंटली 2000 करोड़ का एक बड़ा शराब घोटाला छत्तीसगढ़ में निकल के आया है। अभी परसों ही आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने एक पूरा शराब का भरा हुआ ट्रक पकड़ा है। तो जो छत्तीसगढ़ के लोग हैं वो भी इन दोनों पार्टियों से त्रस्त हैं और वो आम आदमी पार्टी की तरफ एक बड़ी उम्मीद के साथ देख रहे हैं। तो आम आदमी पार्टी को जो छत्तीसगढ़ में प्यार मिल रहा है उसको ध्यान में रखते हुए आम आदमी पार्टी ने ये फैसला लिया है कि इस बार जो 2023 के इलेक्शन है उसमें आम आदमी पार्टी अपने पूरे दम बल के साथ इस बार इलेक्शन लड़ेगी और 90 की 90 सीटों पे आम आदमी पार्टी झाड़ू के सिंबल पे अपने कैंडिडेट खड़े करेगी। और जिस तरीके से लोगों को रिस्पॉन्स मिल रहा है और जिस तरीके से प्यार मिल रहा है, हमें पूरी उम्मीद है कि इस बार 2023 में छत्तीसगढ़ जो है वो आम आदमी पार्टी की और झाड़ू की सरकार लेके आने वाला है। छत्तीसगढ़ की जनता के क्या अपने घोषणा पत्र में प्रमुख लिखा है? देखिए, अभी हमारा आम आदमी पार्टी का संगठन का विस्तार बड़े तेजी से चल रहा है। हमारा सर्कल तक का जो ढांचा है वो लगभग तैयार है और अगले महीने में हम बूथ लेवल का ढांचा जो है वो तैयार कर लेंगे। इस टाइम पे हम बूथ प्रोफाइलिंग पे जोर दे रहे हैं ताकि जो लोगों के मुद्दे हैं वो उभर के आ सके। और उसके बाद अरविंद केजरीवाल जी अलग अलग मुद्दों पे आके छत्तीसगढ़ के लोगों को अरविंद केजरीवाल जी अपनी खुद की गारंटी देके जाएंगे और उन गारंटीज़ को लेके अलग अलग मुद्दों पे हम अलग अलग कैंपेन डिज़ाइन करके लोगों के घर घर तक पहुँचाएँगे। और जितने भी छत्तीसगढ़ के लोगों के जो मेन मुद्दे हैं उन सभी को एड्रेस करें। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। हाउसिंग बोर्ड भिलाई गुरुद्वारे में सिख समाज ने आधुनिकता की दौड़ में अपनी संस्कृति से दूर हो रहे समाज के नौनिहालों को अपनी धार्मिक संस्कृति विरासत से जोड़े रखने के उद्देश्य से अनोखा 3 दिवसीय निःशुल्क आवासीय सिख विसरा समर कैंप का आयोजन किया है। गुरुद्वारा श्री गुरु अर्जुन देव जी हाउसिंग बोर्ड औद्योगिक क्षेत्र भिलाई में गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एवं गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के संयुक्त तत्वाधान में 12 मई से 14 मई तक 3 दिवसीय आवासीय एक अनोखे समर कैंप का आयोजन सिख विसरा कैंप के नाम से किया जा रहा है। इसमें भिलाई दुर्ग के अलावा प्रदेश के अन्य शहरों से भी बच्चे शामिल हुए हैं। यह समर कैंप बिल्कुल निःशुल्क है। इस समर कैंप के लिए बच्चों के पंजीयन होने के पश्चात सभी बच्चों की पहचान परिचय पत्र से की जाएगी। अपने विसरे की पहचान करने वाले इस सिख विसरा कैंप में प्रशिक्षण देने हेतु भारत के विभिन्न शहरों से प्रशिक्षक आए हुए हैं, जिसमें प्रशिक्षक वीर गुरविंदर सिंह जी आसनसोल से, वीर बलविंदर पाल सिंह जी लखनऊ से, वीर सुरेंद्र पाल सिंह जी भोपाल से तथा लुधियाना से 50 वर्ष पूर्व 1972 में संस्कृति को सहेजने वाले समूह गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल के संस्थापक मनमोहन सिंह सेनानी जी एवं छत्तीसगढ़ राज्य एवं सेंट्रल इंडिया के प्रभारी भी 3 दिन हाउसिंग बोर्ड गुरुद्वारे में उपस्थित रहेंगे। इस संस्था द्वारा लगभग इस वर्ष भी 100 से अधिक कैंप देश भर में लगाए जाएंगे। आयोजित कैंप में बालक बालिकाओं के रहने की व्यवस्था एवं भोजन, चाय, नाश्ते की व्यवस्था भी गुरुद्वारा कमेटी की ओर से की गई है। इस समर कैंप में उपस्थित हुए बच्चे बहुत ही स्थिरता के साथ अपने गुरुओं की गाथा सुन रहे हैं और अपने धर्म का ज्ञान अर्जित कर रहे हैं। इस आयोजन की जानकारी गुरुद्वारा प्रबंधन कमेटी एवं प्रशिक्षकों ने न्यूज टीम को दी है। तो इस पंक्ति का अर्थ मैनू आ गया। मैं क्या की कहता सुख दुख सिमरी वो मौजूद। स्टैंड अप
वीरो ये भी अरदास करो कि भी तुम सोची आए अपने आप नहीं आए अरदास करिए भी गुरु पातशाह जी का बहुत बहुत धन सिख ता ही है जो तो गुरु की सिक्ख्या के ऊपर चलेगा सिक्ख्या मनेगा गुरु ग्रंथ साहब अपना गुरु मनेगा उस दिन सिख है अगर नहीं मन रहे तो भुलेखा दिमाग को फड़ दे एवं ना चौधरी बड़े जाइए भी आए सिख ये सिख हमारी संस्था 1972 से अभी तक 50 साल हमने पूरे कर लिए हैं। गुरु गोविंद सिंह स्टडी सर्कल एक अंतर्राष्ट्रीय संस्था है, हम यूनेस्को के पार्टनर्स हैं और हमारा मेन टारगेट नौजवान और बच्चों के अंदर गुरमत का प्रचार करना है, चाहे वो स्पोर्ट्स के माध्यम से हो, चाहे गुरुद्वारों के माध्यम से कैंप्स हों, चाहे गुरमत क्यारियाँ हों, चाहे उसके लिए हमें मेडिकल कैंप्स लगाने पड़े। ये हमारे टोटल 8 डायरेक्टर में से हमारे 52 डिपार्टमेंट्स अलग अलग काम करते हैं और इस समय वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो यूनेस्को की पार्टनर है। हाउसिंग बोर्ड गुरुद्वारे में 12, 13 और 14 मई 2023 को सिख विरसा कैंप लगाया गया है। ये विरसा कैंप जो है अपने नौजवान बच्चों को 10 साल से लेकर 25 साल के बच्चों के लिए किया गया है, जिसमें हमने धार्मिक शिक्षाओं के अलावा उनकी पर्सनैलिटी डेवलपमेंट और उनके कैरियर गाइडेंस की क्लासेस भी साथ में चल रही हैं, जिसके लिए बरजिंदर पाल सिंह जी लखनऊ से, गुरविंदर सिंह जी आसनसोल वेस्ट बंगाल से, सुरेंद्र पाल सिंह भोपाल से, अजमेर सिंह जी नागपुर से, सतविंदर कौर नागपुर से, ये अलग अलग फैकल्टीज बाहर बाहर से आई हैं जो विद्यार्थियों से क्लासेस लेके वर्कशॉप्स करके उनको गुरमत की शिक्षाएं दे रही हैं। इसके साथ शाम के समय सिख मार्शल आर्ट गतके का आयोजन भी किया जा रहा है ताकि जो इच्छुक विद्यार्थी हैं वो साल भर इस क्लासेस को अटेंड कर सकें। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। ये जी कैंप लग गया हुआ है अपना 3 दिन का, 12, 13, 14 ये बच्चों को शिक्षा दी जाती है, ये गुरबाणी बारे दसया जाता है तो गुरबाणी किदा ग्रहण करनी है वो बारे समझाया जाता है, तो बाकी होर गुरमत विचारां बारे सारी जानकारी दी जाती है बच्चों अगे जाके बच्चों ने भविष्य बच्चे तो उन्होंने अपना उस हिसाब न जिस हिसाब न साढ़े गुरु सिख सिखा के गए तो उस बारे सारी जानकारी दी जाती है, बहुत जरूरी है जी। बच्चे अजक इंटरनेट जमाना आ, तो कुछ उस शिक्षा भी मिलती है, कुछ वो ग्रहण कर मिलता है, कुछ वो अपसैट भी जाती है, तो उसनों देखते दे हुए ये कैंप बहुत जरूरी आ। इस बच्चों सिखाया जाता है तो बच्चे उस तरीके ही ग्रहण करते हैं जिदा अपने शिक्षक समझाते हैं गुरु सिख। कल से हमने 12 तरीक से स्टार्ट किया है सिख विरसा कैंप। सिख का मतलब है कि सीखना हर समय, हर चाहे बचपन या जवानी या बुढ़ापे तक सिख हमेशा सीखता ही है, कुछ ना कुछ शिक्षा ही लेना है उसको। तो हमने अपनी जो नई पनीरी है बच्चे हैं जो, और 10 साल से लेके 25 साल तक के बच्चे इस कैंप में रखे हैं जो कि 3 दिन का कैंप है जी। इसके अंदर हमारे बाहर बाहर से बहुत बड़े एक्सपर्ट जो आए हुए हैं, बुद्धिमान सिख जी भी हैं जो दिल्ली से आए हैं, आपका छत्तीसगढ़ से, बिलासपुर से, और 2-3 स्टेट से, शायद मेरे ख्याल यूपी से भी हैं। वो सब बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं किस तरीके से सुबह जल्दी उठना है, गुरबाणी का नित्यनेम जो है करना है, शाम को नित्यनेम करना है, रहरा साहब का पाठ करना है शाम के समय, रात में 16 साहब का सोने से पहले 16 साहब का पाठ करना है, किस तरीके से उठना है, किस तरीके बैठना है, गुरुद्वारा साहब के अंदर किस तरीके से एंटर करना है, ये सारी चीज़ें जो है बच्चों को सिखाई जाती थी इसके अंदर में, कि बच्चों को किस तरीके से दस्तार से जाना है, 5 कंकार जो गुरु साहब जी ने, गुरु गोविंद सिंह जी ने हमको बख्शे हैं, तो उनको किस तरीके से धारण करना है। आज का युवा वर्ग चाहे वह किसी भी धर्म का हो, अपने धर्म से विमुख होकर पाश्चात्य संस्कृति की ओर आकर्षित होता जा रहा है और विभिन्न प्रकार के नशे की गिरफ्त में चला जा रहा है, जिसे सुधारने का एक अनूठा प्रयास इस संस्था द्वारा किया जा रहा है और नौनिहालों का धर्म का ज्ञान देकर उन्हें एक अच्छा इंसान बनाने की राह पर चलने को प्रेरित किया जा रहा है। ग्रैंड एशियन न्यूज के लिए भिलाई से संतोष शर्मा की रिपोर्ट। दुर्ग जिले के तहसील मुख्यालय धमधा में सिविल कोर्ट का शुभारंभ उच्च न्यायालय के न्यायाधीश गौतम बाधुड़ी ने किया। इस अवसर पर न्यायाधीश ने कहा, न्याय के लिए लोगों को अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखना होगा। दुर्ग जिले के तहसील मुख्यालय धमधा में सिविल कोर्ट का शुभारंभ शनिवार को उच्च न्याय बिलासपुर के न्यायाधीश गौतम भादुड़ी द्वारा किया गया। इस मौके पर समारोह को संबोधित करते हुए मुख्य अतिथि न्यायाधीश गौतम भादुड़ी ने कहा कि न्याय के लिए लोगों को अपने आप में आत्मविश्वास बनाए रखना होगा, दूसरों की व्यथा को समझने का प्रयास होना चाहिए, लोगों का न्याय पर भरोसा रहना चाहिए।
मुख्य अतिथि न्यायाधीश भादुड़ी ने ये भी कहा कि सिविल कोर्ट खुलने से लोगों की समय की बचत होगी, न्याय आपके द्वार की सोच साकार हो रही है। इस न्याय के मंदिर में पीड़ित व्यक्ति को उनका अधिकार मिलेगा। यह अभी 797 प्रकरण है, इसके निराकरण में वरिष्ठ अधिवक्ताओं का भी सहयोग होना चाहिए। उन्होंने सिविल कोर्ट शुभारंभ पर लोगों को बधाई एवं शुभकामनाएं दी। इस मौके पर कलेक्टर पुष्पेंद्र कुमार मीणा, पुलिस अधीक्षक डॉक्टर अभिषेक पल्लव, अधिवक्तागण, स्थानीय जनप्रतिनिधि और गणमान्य नागरिक शामिल रहे। पहले तो धमदा कोर्ट का ओपनिंग था, वहाँ पे सिविल कोर्ट ओपन हुआ और उसके बाद यहाँ पे लोक अदालत में यहाँ पे जो दुर्ग में हमने भीड़ देखा, लोगों में उत्साह देखा, काफ़ी भरोसा किया है लोगों ने सिस्टम पे। लोग अपने झगड़ा निपटाए, अपना केसेस को छोड़ के, मामला मुकदमा छोड़ के अपने जीवन पे ध्यान दे। काफ़ी लोग अभी जैसे दुर्ग बेंगलोर से और कहीं और दूर से, पंजाब से, वहाँ से, बिहार से सब कॉम्प्रोमाइज़ अभी हुआ है मोबाइल में, तो उसका भी लाभ लिया लोगों ने, वहाँ पे बैठे और यहाँ पे इस चीज़ का, लोक अदालत की एक सफलता की एक इस फेदर टू कैप बोल सकते हैं आप। हमारे वर्तमान स्थिति क्या है सर, केसेस का जब से राष्ट्रीय लोक अदालत चली है अभी वर्तमान में क्या है, इसको किस तरह से आगे? वर्तमान में केसेस हो रहा है, इतना भीड़, इसका सक्सेस स्टोरी तो इसी से देख के ही लगता है, कुछ बोलने की ज़रूरत नहीं है। और केसेस तो जो पहले होते थे जैसे 100 केसेस हो रहे थे, अभी तो हजारों में है, 70,000 से ज़्यादा, 60-70 हज़ार केसेस, तो इससे ज्यादा इस लोगों का इसमें जो प्री लिटिगेशन है वो भी हो रहा है ना। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से जेलों और कई और योजनाओं पर फोकस किया गया, कितना सकारात्मक पहल देखा गया? अभी आपको इसी का उदाहरण दिया, पंजाब से, बेंगलोर से लोग वहाँ बैठे हैं, यहाँ पे हो रहे हैं। और रेगुलर हमारे यहाँ जो केसेस होते हैं, बाहर के वकील वीडियो में अपीयर हो रहे हैं। आप तो सुप्रीम कोर्ट के वेबसाइट भी देखिए, अब लाइव स्ट्रीमिंग भी चालू होगी हम लोग की। सर, कोई नवाचार हो रहा है, कोई योजना फोकस कर रहे हैं? हाँ, पूरी तैयारी है, हो गई है, हो किसी भी दिन लॉन्च होगा वो। हाँ, नहीं अभी नहीं, अभी। ग्रेनेसियन न्यूज़ के लिए दुर्ग से नसीम फारूकी की रिपोर्ट। कर्नाटक चुनाव के नतीजों में कांग्रेस सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। नतीजों से साफ हो गया है कि भाजपा दक्षिण भारत के अपने एक लौता किला कर्नाटक में सत्ता से बाहर हो गई है। भाजपा की हार का जो एक प्रमुख कारण नजर आ रहा है वो है भाजपा की बीएस येदुरप्पा पर निर्भरता। ऐसा लग रहा है कि कर्नाटक में भाजपा को बीएस येदुरप्पा का मोह ले डूबा। जिस जोर शोर से भाजपा ने कर्नाटक में नेतृत्व परिवर्तन किया और फिर वापस भाजपा का येदुरप्पा की शरण में गई, वहीं कहीं ना कहीं मतदाताओं को पसंद नहीं आया। टिकट बंटवारे को लेकर भाजपा में काफी विवाद हुआ। इसके चलते पार्टी के कई बड़े नेता, पूर्व सीएम जगदीश शेट्टार और लक्ष्मण सावदी जैसे लोग भाजपा छोड़ गए। 2023 के चुनाव प्रचार में भाजपा का फोकस जहां लिंगायत, वोक्कालिगा, आरक्षण और बजरंग दल और बजरंग बली जैसे मुद्दों पर ही रहा, तो वहीं कांग्रेस ने विकास के मुद्दे, भाजपा सरकार के भ्रष्टाचार पर ज्यादा फोकस किया। बहरहाल कर्नाटक की जीत से जहां कांग्रेस को संजीवनी मिली है और वह छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में 6 माह बाद होने वाले विधानसभा चुनाव की तैयारी में जुट जाएगी, जैसा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी ने कहा। मैं कर्नाटक की जनता को, कर्नाटक में कांग्रेस पार्टी के सब कार्यकर्ताओं को, सब नेताओं को, और जो हमारे सब नेताओं ने कर्नाटक में काम किया उनको बधाई और धन्यवाद देता हूं। देखिए, कर्नाटक के चुनाव में एक तरफ क्रोनी कैपिटलिस्ट की ताकत थी, दूसरी तरफ गरीब जनता की शक्ति थी, और शक्ति ने ताकत को हरा दिया। और यही हर स्टेट में होगा। कांग्रेस पार्टी कर्नाटक में गरीबों के साथ खड़ी हुई, हम गरीबों के मुद्दों पर लड़े। और मुझे सबसे अच्छी बात यह लगी कि हमने नफरत से, गलत शब्दों से यह लड़ाई नहीं लड़ी, हमने मोहब्बत से, प्यार से,
दिल खोल के ये लड़ाई लड़ी और कर्नाटक की जनता ने हमें दिखाया कि ये देश मोहब्बत को मोहब्बत इस देश को अच्छी लगती है। न्यूज बुलेटिन में फिलहाल इतना ही, मुझे दीजिए इजाजत, आप बने रहे ग्रैंड एसिड न्यूज के साथ, तब तक के लिए इतना ही, नमस्कार।